इस क्वेश्चन में हमें बोला है इन फिगर रेज ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई हैव कॉमन एंड पॉइंट ओ। ये हमें गिवन है कि रे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी एंड ओ ई फाइव रेज है और इनका कॉमन एंड पॉइंट ओ है। देखो बच्चा ऑल फाइव रेज ओ से ओरिजिनेट हो रही है, ओ से निकल रही है, तो ये हमने गिवन में लिख दिया। और हमें प्रूफ क्या करना है, देखो क्या लिखा है, शो डैट एंगल एओबी, एंगल एओबी पॉइंटर पे ध्यान देना, ये है एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, बीओसी ये वाला हो गया एंगल, देन एंगल सीओडी, सीओडी ये वाला एंगल प्लस एंगल डीओई ये वाला प्लस एंगल ईओए इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, तो टू प्रूव में हमने ये लिख दिया। ओके, तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। तो इसमें ध्यान दो, ऑल फाइव एंगल्स एक पॉइंट पे बन रहे हैं, हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो क्या हम ये प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली ये प्रूव कर सकते हैं ये रीजन देके? नहीं, क्योंकि एक्चुअली एक तरह से हमें इस प्रॉपर्टी को ही प्रूव करने को कहा गया है, तो जो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करने को कही गई है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे लीनियर पेयर का। लेकिन लीनियर पेयर अप्लाई करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, कहीं पर भी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है? देखो बच्चा ओ ए तो रे है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओ बी भी स्ट्रेट नहीं है, ओ सी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही, ओ डी से भी ओ डी रे है, ओ ई भी रे है, तो कहीं पर भी हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए, हम किसी भी एक रे के अपोजिट, किसी भी एक रे के अपोजिट, चाहे ओ ए ले लो, चाहे ओ बी ले लो, चाहे ओ सी, चाहे ओ डी, चाहे ओ ई, उसके अपोजिट एक और रे बनाएंगे जिससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। वो कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना बच्चा। देखो मैं ओ ए के अपोजिट, आप किसी भी रे के अपोजिट बना सकते हो, मैं ओ ए के अपोजिट बना रहा हूं यहां पर एक रे लाइक दिस। ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गई और रे को नेम दे देते हैं ओ एफ, ओ एफ इज अ रे अपोजिट टू रे ओ ए। अब इससे हमें क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ रे ओ एफ अपोजिट टू रे ओ ए सच दैट एफ ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी है। अब हम प्रूफ पे आते बच्चा। अब मैंने कहा ना कि इसको हम किससे प्रूफ करेंगे, यूजिंग लीनियर पेयर। अब देखो ध्यान से, अगर एफ ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है तो जो इस पे एंगल बनेंगे इसके ऊपर एट एनी पॉइंट, इधर ओ पॉइंट है, तो उनका सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल एफ ओ सी, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो इसको थोड़ा आसान करने के लिए हम एंगल्स को नंबर्स भी दे सकते हैं बच्चा, लाइक ए ओ बी को एंगल 1 नेम दे दो, बी ओ सी को एंगल 2 दे दो, एफ ओ सी को एंगल 3 नेम दे दो, डी ओ एफ को 4 दे दो, देन डी ओ ई को एंगल 5 नेम दे देते हैं, और ए ओ ई को हम एंगल 6 नेम दे देते हैं। ओके, तो हमने एंगल्स को नंबर से नेम कर दिया। अब क्योंकि एफ ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें ये ऊपर वाले तीन एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, दैट मीन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, और वो किसके इक्वल होंगे बच्चा, इज इक्वल टू 180। अब रीजन हम इधर दे देंगे लीनियर पेयर, सो ये हो जाएगी इक्वेशन 1। ओके, अब लाइन एफ ओ ए के नीचे भी 3 एंगल्स बन रहे हैं, देखो बच्चा एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये भी पॉइंट ओ पे एंगल बन रहे हैं एंड ऑन स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीन एंगल का सम भी 180 होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो हम लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। रीजन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ एस्ट्रिक मार्क डालो, यहाँ भी एस्ट्रिक मार्क डालो, सेम लिख दो। किसी क्वेश्चन में कोई रीजन रिपीट हो ना तो उसे एस्ट्रिक मार्क डाल के सेम लिख दो। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चा देखो हमें इन 5 एंगल का सम चाहिए, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो इसलिए हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके ही इन 5 एंगल का सम मिलेगा। ओके, तो इक्वेशंस को कैसे ऐड करते हैं,
दोनों इक्वेशन का LHS पार्ट अलग से ऐड होगा और दोनों इक्वेशन का RHS पार्ट इज इक्वल टू के RHS साइड में ऐड होगा। तो पहले LHS पार्ट दोनों इक्वेशन का ऐड करते हैं। इक्वेशन वन में LHS पार्ट है हमारे पास एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री और इक्वेशन टू में LHS पार्ट है प्लस एंगल फोर लिख देंगे इधर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स। तो LHS पार्ट ऐड हो गया हमारा। RHS पार्ट में दोनों में 180 और 180 है तो लिख देंगे RHS पार्ट में 180 प्लस 180। अब देखो बच्चा एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल AOB के। अब हमने जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, एंगल वन की जगह एंगल AOB आ जाएगा। अब एंगल टू हमने किस एंगल को नेम दिया था, एंगल BOC को नेम दिया था एंगल टू, तो इधर एंगल BOC आ जाएगा। और जो एंगल थ्री और एंगल फोर है ना, ध्यान से देखो बच्चा, मिलके इनमें कॉमन आर्म OF है, ये दोनों मिलके एक बड़ा वाला एंगल बना रहे। कौन सा बड़ा वाला एंगल बना रहे, पॉइंटर पे ध्यान देना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाला एंगल, और इस एंगल का नाम क्या है, COD। ओके, तो ये एंगल COD ले सकते हैं एंगल थ्री प्लस फोर की जगह। तो इसलिए मैंने एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को ब्रैकेट में रख दिया और इसकी जगह हमने एंगल COD लिख दिया, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। टू प्रूफ में भी देखो एंगल COD आ रहा है ना, यस सर आ रहा है। अब एंगल फाइव, एंगल DOE को नेम दिया था तो एंगल फाइव की जगह एंगल DOE लिख दो। और एंगल सिक्स हमने किस एंगल को नेम दिया था, एंगल EOA को। देखो टू प्रूफ में भी EOA है तो एंगल सिक्स की जगह एंगल EOA लिख दो, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।